वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के दिशा निर्देश अनुसार कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस को कांग्रेसी डब्ल्यूसी मेंबर एवं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के बाद महिलाओं किसानों की समृद्धि के लिए 5-5 गारंटियां दी है। वहीं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं से वादा करती है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी। और मोदी जी के जैसे गारंटी नहीं देती। कांग्रेस पार्टी जो घोषणा करती है, गारंटी देती है, उसको मैदान में काम करके दिखाती है और ये जनता विश्वास करती है। उन्होंने 10 साल पहले चुनाव लड़ रहे थे, 14 में तो उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को, देश के युवाओं को 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, काला धन विदेश से लाएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख जमा करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि वो 15 लाख किसके खाते में जमा हुए, किस किसके पास गए। और उसी तरह फिर से एक बेहतरी योजना लागू किए, महतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ आबादी है और आधी आबादी महिलाओं की होती है, करीब 1 करोड़ 15 लाख महिलाओं की संख्या है। चुनाव के समय इन्होंने एक घोषणा किया था, अमित शाह जी कांकेर की सभा में बोले थे कि प्रत्येक घर के शादीशुदा महिलाओं को, एक एक महिलाओं को हम 1-1 हजार रुपए देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि वो हर घर की शादीशुदा महिला को 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं क्या? और उसमें कई आवेदन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। चुनाव के समय प्रलोभन दिया गया महिलाओं को कि आप घर घर जाके आपका आधार कार्ड ले आओ, आईडी कार्ड ले आओ, आपका खाता नंबर दो, फार्म भरेंगे और आपका 1 हजार रुपए हर एक के खाते में जमा होगा, ये उन्होंने कहा था। फिर छटाई क्यों, हम पूछना चाहते हैं। फिर छटाई क्यों कर रहे हैं भाई, सभी महिलाओं का उन्होंने कहा था। यहाँ तक कि ये भी कहा था कि हम कलेक्टर के मिसेस को, यहाँ तक ये भी कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पत्नी धर्म पत्नी को भी देंगे, तो वो कहा गया? तो हर शादीशुदा महिला के लिए बात किए थे ना। हम गारंटी देते हैं, आदरणीय खड़गे जी गारंटी देते हैं, आदरणीय राहुल जी गारंटी देते हैं कि हमारे देश के हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए उनके खाते में सीधा जमा होगा।